मन करे सो प्राण ले, मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। भागवत का सार है, ये कृष्ण की पुकार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। बंदूकों और तीर तलवारों से खेलने का शौक तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन वो बंदूक, वो तलवार और वो अस्त्र शस्त्र जो कमजोरों की रक्षा के लिए उठे, जो न्याय देने के लिए उठे, जो कानून की रक्षा के लिए उठे और जो संविधान की हिफाजत के लिए उठे, वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जरा आज की विडंबना पर, आज की परिस्थितियों पर गौर कीजिए। आज अतीक अहमद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की जा रही है। अतीक अहमद जुर्म की दुनिया का एक ऐसा नाम जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। आज जब उसका बेटा एनकाउंटर में मार दिया गया तो एक खास वर्ग के विचारक, बुद्धिजीवी, नेता और पत्रकार बहुत तड़प रहे हैं। 24 फरवरी को उमेश पाल का हत्याकांड हुआ और जब सबसे पहला एनकाउंटर अरबाज का हुआ तो उसी वक्त ये सवाल उठ रहा था कि अब अतीक के बेटे के साथ क्या होगा, क्या उसका सरेंडर होगा या फिर वो एनकाउंटर में ही मार दिया जाएगा। लेकिन इस तरह के सवालों का जवाब आज मिल गया। अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो गया, अतीक का बेटा मार दिया गया। शायद अतीक को पूर्वाभास हो गया था। एनकाउंटर के एक दिन पहले ही एक न्यूज़ चैनल के माइक पर अतीक कह रहा था कि अब हम मिट्टी में मिल चुके हैं, हमारे परिवार को छोड़ दिया जाए। गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। आपने माफीगिरी कही। सारा मीडिया अतीक की गाड़ी के पीछे लगा हुआ था कि कहीं अतीक की गाड़ी ना पलट जाए, लेकिन उल्टा हो गया। इस बार गाड़ी नहीं पलटी, इस बार पलट गई बाइक, और बाइक पर बैठा हुआ था अतीक का बेटा और उसका साथी मोहम्मद गुलाम। तो जब बाइक पलटी तो क्या हुआ, जब बाइक पलटी तो ये हुआ, जो लोग बंदूक के दम पर, हथियारों के दम पर लोगों को, गरीबों को, कमजोरों को डराने का काम करते थे, जब उनके सामने कोई बंदूक लेकर के आया तो उनका हाल क्या हुआ, ये आप इन तस्वीरों में अच्छी तरह से देख सकते हैं। और कोई ये भी कह सकता है कि ये तस्वीर तो ओरिजिनल नहीं है, तो आपको एक बार ओरिजिनल तस्वीर भी दिखा देते हैं। ये है ओरिजिनल तस्वीर, ये है ओरिजिनल तस्वीर। अतीक ने खुद अपने बेटे को बंदूक पकड़ाई थी। साल 2016 का एक वीडियो आज वायरल हो रहा है जिसमें 12 साल का असद फायरिंग कर रहा था। तो मित्रों, जब ये तस्वीरें 2012 में दुनिया के सामने आई थी तो उस समय अतीक अहमद से पूछा गया कि आपका बेटा तो फायरिंग कर रहा है, सरेआम उसकी वीडियो बन रही है, तो इस पर हंसते हुए अतीक अहमद ने यह कहा था कि वो कोई असली बंदूक नहीं थी, वो तो एक बच्चे की बंदूक थी, खिलौना थी और ऐसे ही कहीं दिखने में मौजा जैसी थी और इसीलिए किसी ने वीडियो बना लिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब वो इस बात पे बहुत फक्र कर रहा था कि उसका बेटा जो है वो फायर कर रहा है। एडवेंचर का चस्का अतीक ने ही अपने बेटे को लगाया था और आज इस मिस एडवेंचर का अंत हो गया। लेकिन इस अंत के साथ ही अखिलेश यादव और दूसरे सेकुलर नेताओं की राजनीति शुरू हो गई है। जो सवाल हमारे पत्रकार साथी ने पूछा कि मिट्टी में मिला दे, क्या कोर्ट बंद हो जाए? और फिर एक घटना नहीं है, मैं बात ये नहीं कह रहा, एक घटना आप बताइए, बुलडोजर से मां बेटी को जला दिया हो, बलिया में एक छात्र नेता को बीजेपी के कार्यकर्ता उन्होंने मार दिया, एक वहीं पर व्यापारी सूतखोरी में लाइव उसने जान दे दी अपनी, एक यूपी नंबर वन, एक एनकाउंटर में नंबर एक वन, तो आप क्या उम्मीद करोगे, क्या संविधान हट जाए, कानून हट जाए? उनकी धजिया उड़ रही है, एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो, तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो, फिर कोर्ट किस लिए है, अदालत किस लिए है,
सीआरपीसी आईपीसी किस लिए है, जजेस किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को, जजेस क्या काम करेंगे? फिर कानून की बालादस्ती रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। एंड कनेक्शन विद दैट that the chief minister, honorable chief minister of Uttar Pradesh had Mr. Ajay Bisht had actually said that gaadi palak jata hai, which means cars can overturn. So his real name is Ajay Bisht, he calls himself a yogi, but that is his correct name, so I prefer to call people by their real names. So anyway, his car overturned. And the car, he says, gaadi to palak hi sakta hai. So the other name for Mr. Ajay Bisht was actually Mr. Togdo, because whenever he was chief minister, even when he was MP, he would like to tell his police and his law and order enforcement agencies that Togdo, which means finish them off. So, बयान तो महुआ मोइत्रा का भी आया है. महुआ मोइत्रा ने योगी आदित्यनाथ को नया नाम दिया है, मिस्टर ठोंको. बहुत सारे सेकुलर राजनेताओं की छाती में माफिया के लिए ममता का दूध उमड़ रहा है. और इनका इतिहास क्या है, इस तरह की सेकुलर राजनीति का इतिहास क्या है, जरा आप इन तस्वीरों में देखिए. अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये कौन है? ये है मुलायम सिंह यादव, ये है अतीक अहमद, ये है अतीक अहमद का कुत्ता, और ये हैं मुलायम सिंह यादव जो कि अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं. समझ रहे हैं आप, ये हाथ मिला रहे हैं. ये नवभारत टाइम्स का एक अखबार है और इसने क्या लिखा है, कभी मुलायम मिलाते थे हाथ, आज भूख से मर रहे हैं अतीक अहमद के कुत्ते. ये और ये तो आप देख ही रहे हैं, ये हैं अखिलेश यादव और ये हैं अतीक अहमद. ये हैं अतीक अहमद, ये अखिलेश यादव और ये हैं मुलायम सिंह यादव. तो ये समाजवादी पार्टी का कोई कार्यक्रम था जिसमें कि ये सभी लोग मौजूद थे, और अतीक अहमद जो है वो बहुत बड़ा एक समाजवादी नेता है और वो मंच पर खड़ा होकर के जो है समाजवाद की बात कर रहा था. हालांकि इसके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे और अखिलेश यादव वहाँ पे उस समय हंस रहे थे. आप देखिए कैसे हंस रहे हैं. और अब आप देखिए कि ये अतीक अहमद है और ये है मुलायम सिंह यादव. बड़ी करीबी थी, बड़ा दोस्ताना था, बड़ा याराना था, और इसीलिए इस तरह के जो माफिया थे वो कितने बड़े सूरमा हुआ करते थे कभी. और आज इनकी हालत क्या है, जरा वो फोटो भी देख लीजिए. आज इस घटना पर क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, जरा दिखाता हूँ आपको. लेकिन मित्रों, आज सोशल मीडिया पर एक कमेंट ने मेरा ध्यान बहुत खींचा. ये वायरल हो रहा है और शहजाद आलम नाम का कोई शख्स है, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल है कि यूट्यूब पर जो यूट्यूब चैनल है आज तक का, उस पर किसी ने इस तरह की टिप्पणी करी शहजाद आलम ने कि योगी तुम्हारा अब एनकाउंटर होगा, याद रखो. तो इस तरह की मानसिकता है, यानी कि वो एक तरह से इसको एक किसी कौम पर हमले की तरह देख रहे हैं, जबकि ये एक अपराध पर हमला है. और एक ये तस्वीर भी आज मैं बहुत वायरल हो रही थी, इसमें ये लिखा है कि भयो बीनु होई न प्रीत, और वाह योगी जी वाह. तो मित्रों कैसा लगा आप, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप ज़रूर बताइएगा, इस पर अपनी टिप्पणी कीजिएगा. इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. नमस्कार मित्रों, धन्यवाद. भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव. धन्यवाद.